श्री शिवाय। कितना छोटा सा संवाद है, सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, जम के एक लोटा। कितना छोटा सा संवाद है। अब कहीं हमने कभी अपनी शिव महापुराण में तुमसे कहा कि 15,000 रुपए की ये सामान लिया ना, 5,000 रुपए का ये सामान लिया ना, 1,000 का ये सामान लिया ना, 500 रुपए का ये सामान लिया ना, 200 रुपए का ये सामान लिया ना। अपनी शिव महापुराण की कथा में हमने जब जब वर्णन करा तो केवल एक वर्णन करा है कि अपने नजदीक में, अपने घर के पास में जो शंकर का शिवालय हो, जो शिव मंदिर हो, वहां एक लोटा जल लेकर पहुंच जाना और अपने दिल की बात देवाधि देव महादेव से कह देना, जो नजदीक में, जो अपने पास। एक पत्र है, देखिए, मैं ललिता साहू पति श्री नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामूल, भिलाई, वार्ड नंबर 5, छत्तीसगढ़ रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बैठी हैं कहीं? बच्चे को लाई हैं क्या? देखिए कैमरे में कैच करके, बच्चे को लाई हैं? लाई हैं तो लेकर आ जाइए, आ जाओ व्यासपीठ पे लेकर। मैं ललिता साहू, पति नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामूल, भिलाई, वार्ड नंबर 5। पत्र को आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। जामूल, भिलाई, वार्ड नंबर 5, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर मेरा ये है। हम लोग अमलेश्वर रायपुर की कथा में आपका, बाबा का धन्यवाद करने के लिए पधारे थे, पर हमारा पत्र नहीं पढ़ा गया। आपके पास में इतने सारे पत्र होते हैं गुरुजी कि आप कई लोगों का पत्र नहीं पढ़ पाते। मैं क्षमा चाहती हूं। मेरे बच्चे के लिए मैं पत्र लिखी थी, हमारे यहां 21 साल तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 21 साल तक जब औलाद नहीं हुई तब हमने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, एक लोटा जल समर्पित करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाना प्रारंभ किया। ये है, मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी है। हरा ललिता साहू, पति नंद किशोर साहू, गणेश नगर, जामूल, भिलाई, वार्ड नंबर 5, छत्तीसगढ़। रोते नहीं है, आंसू पूरा पूछो। अब तो बाबा ने दिया है ना, खुश होकर जाओ। 21 साल के बाद दिया तो ना उसने। हर हर अरे लुटा दिया भंडार का, कर दिया माला लुटा दिया, लुटा लुटा दिया, दिया अरे लुटा दिया भंडार।
दिया काशी वाले। ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है। और विश्वास मान कर बैठना, जितने भी भक्त यहां मां गंगई की पवित्र भूमि पर गंडई में शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हैं, जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, दिल से बाबा पर भरोसा रखकर सुनना। मेरा बाबा तेरी भी झोली खाली नहीं रखेगा, भरेगा जरूर, भरेगा, खाली नहीं भेजेगा निश्चित। थोड़ा समय लग सकता है, कोई फाइल मोटी होती है थोड़ा दबाने में समय लग सकता है, कोई दुख बड़ा है काटने में समय लग सकता है, पर भरोसे में कमी मत आने देना। शंकर के मंदिर जाते रहना, शिव को एक लोटा जल चढ़ाते रहना, शंकर के मंदिर की सफाई करते रहना, उसके चरणों में एक एक पत्र देख। शोभा ठाकुर निवासी हैं रायल ग्रीन्स भिलाई। शोभा ठाकुर रायल ग्रीन्स भिलाई कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, बच्चा आया है साथ में, ले आओ, आ जाओ। शोभा ठाकुर रायल ग्रीन्स भिलाई की रहने वाली हूं, मेरे पुत्र एवं बहू के विवाह को 13 वर्ष हो गए थे। डॉक्टर ने इनको कह दिया था कि तुम्हारे यहां संतान का सुख कभी नहीं होगा। हम लोगों ने भी आस छोड़ दी थी, और हम लोगों ने फिर विचार कर लिया था, जो डॉक्टर ही बोल दिया कि तो संतान नहीं होगी। 5 साल 6 साल 7 साल तक हमने इलाज करवाया, 13 साल हो गए, संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव, ना मेरी बहू बेटा के यहां औलाद नहीं हुई। तब हमने शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करी और अपनी बहू से कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से कमर पर बांधो और बाबा का पशुपति व्रत करो, बाबा देगा। दुनिया के लोग मेरी बहू को देखकर हंसते भी थे, बेटे के लिए भी कहते थे कि संतान नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही। गुरुदेव शायद आपकी कथा ने, शिव महापुराण ने भारत की भूमि के ना जाने कितने लोग हैं जिनके चेहरे पर मुस्कान ला दी है गुरुदेव, ना जाने कितने लोग हैं भारत भूमि के जिनके चेहरे पर चमक ला दी है। बाबा ये शिव महापुराण की कथा नहीं, हम लोगों का विश्वास है। आज मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि 13 साल के बाद मेरी बहू के यहां संतान की प्राप्ति हुई है, मैं उसको लेकर आया। लाइन अच्छी है, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी पार अपने से, लगा लो लगा लो कि राजा रहा उठा लो उठा लो, बोले अपने दर से अब तो नटा लो रहे हैं। हमने बाहर का नाम इसका शक्ति रखा है, आप मिश्रा हो इसलिए हम इसको घर में मिश्री बोलते हैं।
शिव कृपा, उस पर करो गया भरोसा, उस पे कना गया विश्वास, टूटता कभी। थोड़ा परीक्षा हो सकती है, थोड़ी परीक्षा की घड़ी आ सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है, थोड़ी तकलीफें आ सकती हैं, थोड़ा कष्ट आ सकता है, पर हारना नहीं, हारना शंभू है, शिव है, ओघड़ी है, दयालु है, दाता बैठा है, उसको भजो, उसको स्मरण करो, जप करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे बाबा को, मेरे भोलेनाथ जी को जो तुम्हारे पास में है वो दीजिए, देवराज जैसी गलती मत करना कि चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में चले गया देवराज, हमें नहीं जाना, हमें गलत विचार लेकर, हमें गलत सोच रखकर, गलत दृष्टि रखकर, गलत विचार के साथ कभी भगवान के मंदिर मत जाना। निवेदन है, वो कहते हैं ना, राम राम जपना, जम के बोलो जरा, राम राम जपना, पराया माल अपना, मुख में राम बगल में छुरी, ऐसा काम करके भगवान के पास ना जाइए। एक तरफ तो मालूम पड़े तुम निंदा करो, बुराई करो, ईर्ष्या करो, गालियां दो, अपशब्द बोलो, ताने दो, दूसरे का बुरा करो, और दूसरी तरफ भगवान की भक्ति करो, उसमें श्रेष्ठता नहीं, उसमें श्रेष्ठता नहीं। अच्छा कर्म करते हो, देवराज चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर चले गए, देवराज चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में चले गए, शरीर में ताप पड़ रही थी, बुखार आ रहा था, ठंड लग रही थी, मंदिर में दुबक कर बैठ गए, उनको नहीं मालूम कि यहां शिव महापुराण की कथा हो रही है, उनको नहीं मालूम कि शंकर की भक्ति हो रही है, शिव महापुराण की कथा का महत्व क्या है ये देवराज को नहीं मालूम, अगर जानते तो शायद गलती ना करते। देवराज के जीवन में एक बस वहां शिव महापुराण की कथा चल रही थी, कथा चलते चलते जो विप्र था, वो जो ब्राह्मण थे, जो सुंदर आनंद में ब्राह्मण देवता कथा कर रहे थे, संत कथा कर रहे थे, साधुवर कथा कर रहे थे, और चिल्लाकर बीच बीच में हर हर महादेव बोल रहे थे। जैसे ही हर हर महादेव कहते, देवराज को गुस्सा आता, क्योंकि उसके मस्तिष्क में दर्द हो रहा था, उसके सिर में दर्द हो रहा था, शरीर में ताप पड़ रहा था, ठंड लग रही थी, बुखार लग रहा था। क्रोध करने लगा, जैसे ही हर हर महादेव कहा तो क्रोध करने लगा, गुस्सा करने लगा, और क्रोध करा, क्रोध कब आता है, व्यक्ति निंदा कब करता है, कोई भी कब निंदा करता है, क्रोध कब आता है, निंदा कब करता है, व्यक्ति निंदा कब करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे चावल की बोरी में चावल भरते जाओ, धान की बोरी में धान भरते जाओ, जब बोरी भरा जाती है, जब बारदान भरा जाता है, जब बोरा भरा जाता है, तो उसमें से चावल नीचे गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। धान की बोरी में धान भरो, कोठी में धान भरो, धान जब भरा जाता है तो नीचे झलकने लगता है, पानी भरा जाता है तो पानी झलकने लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जल भरा गया तो जल झलकता है, भजन भरा जाता है तो भजन झलकता है, चावल भरा जाता है तो चावल झलकता है, धान भरा जाती है तो ध्यान झलकती है, और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब अपने भीतर किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरा जाती है तो अपने मुख से निंदा झलकना प्रारंभ हो जाती है, अपने मुख से निंदा झलकना प्रारंभ हो जाती है, जब भीतर ईर्ष्या भरा जाती है, कूट कूट कर अंदर किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरा जाए, किसी एक व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या भरा जाए, तो उसके लिए लोग निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं। जब दुनिया के लोग तुम्हें निंदा करते दिखें, समझ लेना उसके अंदर ईर्ष्या भरा गई है, और इतनी भरा गई कि वो झलकना प्रारंभ कर दी है, उसके भीतर अहंकार इतना भरा गया कि वो झलकना प्रारंभ हो गया। चावल भराता, चावल झलकता, जल भराता, जल झलकता, भजन भराता, भजन झलकता,
अगर किसी के अंदर सत्संग भरा जाता है, शिव पुराण भरा जाती है, सत्संग भरा जाता है, तो उसके मुख से सत्संग ही निकलता रहता है। यहां से जाते जाते भी लोग सत्संग करेंगे, आते आते भी सत्संग करेंगे, कथा चालू नहीं होगी उसके पहले भी भजन करेंगे और उसके बाद भी भजन करेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो भरा हुआ है। अहंकार किसी के अंदर भरा गया तो अहंकार झलकेगा, और ईर्ष्या अगर भर गई है तो ईर्ष्या निंदा के रूप में झलकती है। तुरंत आपके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या है तो आप दूसरे की बुराई करना प्रारंभ करोगे, निंदा करना प्रारंभ करोगे, क्योंकि वो झलके। क्रोध कब झलकता है? जब भीतर अहमता आ जाती है। अहमता, क्रोध झलक लगा। देवराज को क्रोध आ गया। देवराज ने कहा, मेरा तो शरीर में कष्ट हो रहा है, मेरे पास इतना धन, इतना वैभव, इतनी सत्ता, ये मुझे जानता क्या है, ये मुझे पहचानता क्या है, क्या जानता है। और क्रोध में आ गया देवराज और वहां से उठकर चले गया, गया बाहर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, चोरी का धन साथ में था। और इतने में देवराज के प्राण छूट गए। प्राण छूटे, देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आ गए और देवराज को नंदी पर बिठा कर ले गए। नंदी पर बिठा, देवताओं ने पूछा, देवताओं ने पूछा, देवता पूछ रहे, देवराज जो चोरी का धन साथ में रखा है, जिसको इतना क्रोध आ रहा है, जो इतना अपशब्द कह रहा है, और आप उसको नंदी पर बिठाकर ले जा रहे हो देव अधिदेव महादेव। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो, इसने एक क्षण की शिव महापुराण की कथा सुन ली थी, और इसकी माता मेरे मंदिर में, मेरे शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती थी। कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई व्यक्ति मेरे शिवालय में जब एक लोटा जल चढ़ाता है तो उसकी सात पीढ़ी नहीं, मायके और ससुराल की 71 पीढ़ी तर जाती है। 71 पीढ़ी पार हो जाती। और भोलेनाथ सुना दो वो ही कथा, जिसे सुन के मैं भी अमर हूं।